केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। विगत कुछ दिनों से झारखंड के गोड्डा जिला के शहरी और आसपास के इलाके से लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसके बाद गोड्डा पुलिस ऐसे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस एक्शन के मूड में नजर आ गई और मोटरसाइकिल चोरी के रोकथाम और कांड के उद्भेदन और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक गोड्डा के निर्देश में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोड्डा के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी दल के द्वारा ग्राम बड़ी कल्याणी में छापेमारी कर बीते रात्रि एक सक्रिय मोटरसाइकिल चोर मिथुन चक्रवर्ती को पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ में उसने अपने स्वीकार करते हुए बयान में बताया कि इसका एक मोटरसाइकिल चोर सक्रिय गिरोह है और इसके कुछ सहयोगी मोटरसाइकिल चोरी के केस में पहले भी जेल जा चुके हैं। सभी ने मिलकर गोड्डा शहरी क्षेत्र और आसपास के इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी लगातार शुरू की थी और चोरी की मोटरसाइकिल को 10 से 15 हजार में बेच देते थे। इसके निशानदेही पर चोरी की दो मोटरसाइकिल ग्राम बड़ी कल्याणी से और महागामा थाना क्षेत्र से तीन मोटरसाइकिल और हनवारा द्वारा थाना क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल बरामद की गई और गिरोह में संलिप्त चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और सभी अन्य संलिप्त अधिकारियों की गिरफ्तारी और चोरी की मोटरसाइकिल की बरामदगी के लिए पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मिथुन चक्रवर्ती ग्राम बड़ी कल्याणी, दूसरा नरेंद्र कुमार शाह ग्राम बड़ी कल्याणी, तीसरा खगेश शाह ग्राम हेमजा चक, चौथा हीरा शाह ग्राम दहिया, चारों गोड्डा जिला के रहने वाले हैं। चोरी की 6 मोटरसाइकिल सहित 2 स्मार्टफोन बरामद हुए हैं। विगत कुछ दिनों से गोड्डा जिला के शहरी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी की लगातार घटनाएं घट रही थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए इसके रोकथाम एवं कांड के उद्भेदन एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय गोड्डा के दिशा निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया था। इसी सिलसिले में गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी दल के द्वारा ग्राम बड़ी कल्याणी में बीते रात्रि छापेमारी कर एक सक्रिय मोटरसाइकिल चोर मिथुन चक्रवर्ती को जो है पकड़ा गया था, जिसने अपने स्वीकारती बयान में स्वीकार किया कि इनका एक मोटरसाइकिल चोर काफ़ी सक्रिय गिरोह है, जिसमें कुछ लोग जो है सहयोगी पूर्व में भी चोरी के केस में जेल जा चुके हैं। ऐसे सभी मिलकर गोड्डा शहरी क्षेत्र और आसपास के इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी कर रहे हैं लगातार, तथा चोरी के मोटरसाइकिल को 10-15 हज़ार रुपये लेकर के लोग बिक्री कर दिया कर रहे थे। इनके निशानदेही पर 2 मोटरसाइकिल ग्राम बड़ी कल्याणी से तथा महागामा थाना क्षेत्र से 3 मोटरसाइकिल एवं हनवारा थाना क्षेत्र से 1 मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई है, तथा गिरोह में संलिप्त 4 अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। अन्य संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभी छापामारी आगे का कार्रवाई चल रही है। इस संदर्भ में मुकसित थाना कांड संख्या 168/23 दर्ज की गई है। सारे जितने भी पकड़ाए हैं सर, सब गोड्डा के हैं? गोटा के रहने वाले। इनका बाहर से भी कोई नेटवर्क था? अभी तक तो नेटवर्क का पता नहीं चला। अपराधी का इतिहास नहीं? कुछ लोगों का अपराधी का इतिहास है, जो पहले भी जेल जा चुके हैं। इसका मैन लीडर का पता कुछ चला? इसका है मैन लीडर मिथुन चक्रवर्ती है और अभी खुलासा किया जाएगा बाद में। कहाँ सर जो बाइक खपाते कहाँ हैं सर? इन लोग जो है जो मजामा थाना क्षेत्र और कुछ हनवारा क्षेत्र में क्या लगता है सर कि जो कोयला वेला में गाड़ी चलती है उसमें चोरी की गाड़ी निकलने की संभावना है? अभी तक जो मैटर जो आया है उसमें लोग भी जो है बताया है कि जो है इन लोग इस तरह का काम करते हैं, इसमें उपयोग करते हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।